कि थोड़ा एवोल्यूशन होना चाहिए करियर में। हाँ जी, तो यहाँ देख के बताऊँ आंसर? हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपने करियर में थोड़ा एवोल्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे गाने गाए हैं जो बहुत फास्ट पेस्ड हैं, अप टेम्पो है, जो डांस वाले गाने हैं, इसमें भी थोड़ा वो ग्रूव है लेकिन फिर भी प्यार है और थोड़ा वो नटखट, थोड़ा नॉटी, वो वैसा वाला फील आएगा ना। और उसमें उतना ऊंचा चीखने वाली आवाज़ वैसा कोई सिंगिंग मैंने नहीं किया, इसमें बहुत सॉफ्ट है। और आशर बहुत अच्छा कंपोज़र है, बहुत अच्छा गाना कंपोज़ किया उन्होंने। एंड मैं क्या बताऊँ, लाइक मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये गाना बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सही हुआ है एंड आई थिंक इट्स साउंडिंग ग्रेट। अभी थिएटर में हम लोगों ने वीडियो देखे एंड इट्स साउंडिंग सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर पावरफुल एंड स्वीट एट द सेम टाइम। तो मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ होने के लिए। सारी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज देखो मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, आमिर सर, सलमान सर, रणबीर सबके साथ गाए, लेकिन अभी ही इज़ द न्यू विनर ऑफ रोडीज एंड मेरे लिए तो आई एम वर्किंग विद देम ऑल्सो नाउ, तो इसीलिए मेरी इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं इसी की वजह से मैं रेलिवेंट होता जा रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। एंड उन सबके साथ वर्क करने में तो मेरा भी ग्रोथ होता है एंड आई फील कि नो सबके साथ काम करना चाहिए जब तक हम लोग जिंदा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वेरी वेरी हैप्पी। सुबह तू है मेरी, शाम तू है मेरी, बस ठहर जा, कॉफ़ी के बहाने दिन है कहीं गुजारे, बस ठहर जा। So much guys, for all of you coming here. So I'm very excited for this song, and I'm Vinay, the owner of Top Shot Life. For second time I'm having an interaction with you guys, and I'm so happy that I'm here just for this song. I came from US, and I love the way these guys are working, and I'm happy to have this on my channel. Thank you all, thank you so much. If you have any questions, you can reach out to Aditya. And this guy is coming. Come on. Okay. Go for it. It's for his show. Good job. Thoda sa sir, please. Okay. Before gift came all the way. Magic. Thank you. अरे मतलब इट्स बीन अ ब्लेसिंग यार। मतलब एक होता है कि एवरी आर्टिस्ट वांट अ ग्रेट ग्रेट कोलैबोरेशन एंड अ ग्रेट प्लेस टू शोकेस देयर टैलेंट, एंड इतनी मेहनत करके विनय सर इज बीन एब्सोल्यूट मोस्ट जेन्युइन मोस्ट सूट आउट पर्सन। फर्स्ट टाइम बात हो रही है हमारी। बिल्कुल और आज हम पहली बार मिले, लेकिन वो होता है कि ऐसा लगता है कि घर का जब बड़ा कोई होता है आपको आशीर्वाद देता है, तो इट्स द सेम विथ विनय सर एंड थैंक यू सो मच सर, स्पेशली यूएसए आया जस्ट फॉर द इवेंट एंड इट्स अ बिग थिंग। We were like going crazy on sets, yeah. It's been like जैसे रूमा ने बोला, it's been more than 24 hours, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, और बारिश चल रही थी खूब, and we were shooting and dancing and all day and night. So I think they have been a great star cast. कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं, just coming and working really really hard. So I think it's great, yeah, to have such amazing cast. मैं देखना चाहूंगा, एक्चुअली मैं देखना चाहूंगा, हिज प्रेजेंस वाज वेरी नाइस। थैंक यू, यू सॉ द वीडियो राइट? या इट वाज वेरी नाइस, यू वर लुकिंग गुड मैन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो या वेरी सून वी आर कमिंग अप विद द वेब सीरीज फॉर अ प्राइम थिंग, एंड इंशाल्लाह वी विल अनाउंस दैट सून। सो या डेफिनेटली थैंक यू। आई रिमेंबर इट्स अ ईयर अगो when I approached Beniso for the song, or he was in London with ma'am, and he directly he heard the song, is like I'm coming on this date, or wo Mumbai pahunche aur airport se land karke he directly came to Pritam Dada's studio, Jamie studio, and unhone record kiya, and just within a few hours we were done. So I think ek bade artist ka nishani hai ye, itne ab main naye talent ko support karna, unke liye gana karna, so I'm really really thankful, and it's a dream come true.
I think I've got a lot of messages for Kashish bhai, and because 2 months pehle I guess sir ke hi channel se gana aaya tha ji rab mera tu, so I think we my director have seen it and like let's meet Kashish and do it. And then Ruma was is a very old friend, we were like used to live in the same society and we were planning ki hum kare what time se kuch, so I think it's a best thing God has gifted everything in this song. ये मेरा तीसरा गाना है इनके साथ में, एक आ चुका है और 2 आने वाले हैं, एंड इन्होंने मुझे घर का दामाद बना लिया मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक कल जब हम मिले थे तो यू सेड टॉप शॉट लाइफ इज माइन, राइट? हाँ, मैंने खुद बोला था, मुझे ऐसा फील होता है जेन्युइनली कि टॉप शॉट लाइफ मेरा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम काम कर जाता भी है ना, पैसे लो मैं बोलने वाला। एंड दूसरा थैंक यू कर दिया अजर भाई को, क्योंकि यही है जो मुझे इस गाने में लेकर आए थे, एंड इन्होंने इतना ट्रस्ट किया क्योंकि बेनिसर का गाना था। गाना सिंगर जब इतने बड़े होते हैं तो एक्टर को भी मतलब इतना ट्रस्ट करना, मेरे पे थैंक यू सो मच अजर भाई। एंड साथ साथ मैं रूमा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने कम टाइम में, मतलब 22 घंटे हमने शूट किया, कम टाइम का मतलब है हम उनको पता चला था एंड देन 1-2 दिन में ही शायद शूट था हमारा, एंड उतने कम टाइम में प्रिपेयर करना, प्लान करना एंड 22 घंटे तक शूट करना विदाउट कंप्लेंस, वो बहुत ज़्यादा। पूरा क्रेडिट जो है हमारी पूरी टीम को जाता है, लेकिन सबसे पहला थैंक यू मैं अशर को बोलना चाहती हूँ। मैं और अशर 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम काम करेंगे, अब काम करेंगे, अब काम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट जो हमने किया और बहुत रैंडम आया था ये। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, लोगों को लगता है कि हमें काम करना है साथ में। एंड बट यू वेट फॉर या आई डोंट व्हाट यू नो व्हाट, सो ये सब प्लान भी नहीं था, ये अनप्लान था बहुत ही ज्यादा। और मुझे लगता है प्लान नहीं था सर, आप हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। विनय भाई आए वही बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। एंड लास्ट टाइम जब हम मिले तो बहुत मजे कर रहे थे, बहुत ही है ना, मतलब ऐसे सोफिस्टिकेट देख के लगाना मत, बहुत मस्त बंदे हैं, बिल्कुल ऐसे राबचिक बंदे हैं दिल से। तो थोड़ा सा अभी यूएस चले गए, थोड़ा सा यू नो वॉच आई एम फ्रॉम यूएस गाइस ऐसा है, बट दिल के बहुत प्यारे बंदे हैं। आते ही पानी पूरी खाइए मैंने। मुंबई की पानी पूरी कौन मिस करेगा। आई लव द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग, या आई लाइक द मैं मैंने देखा नहीं था पहले जी, मुझे आदि और उदित जी दोनों लोगों ने मुझे बोला भाई एक बार देख प्लीज़ एक बार जी, जब इन्होंने फोर्स किया तब मैंने देखा, एंड उसके बाद देखने के बाद मैंने कहा यार फाइनल डन आदि, थैंक यू फिनिश इट। मैं आई लव दैट सॉन्ग। आज जो कैमरा बड़ा अच्छा लगा, कैमरा के सामने विनय सर से एक और चीज़ मांगना चाहूँगा कि वो वीडियो दिखा दो मेरे को यार प्लीज, दूसरे गाने की जो शूट होके एडिट हो चुकी है। इट शुड बी सरप्राइज आई थिंक। यार मेरे लिए क्या सरप्राइज, मुझे दिखा दो, तूने काम किया था पता चलना चाहिए तेरा काम कैसा है बाद में। और इन्होंने पता रब मेरा तू के बारे में बात करी। अच्छा, रब मेरा तू मतलब मुझे एक ऐसा सॉन्ग है, मतलब मैंने ऑलरेडी 6-7 सॉन्ग करे हैं, बट रब मेरा तू ऐसा सॉन्ग है जो मुझे अब तक कॉल आते हैं। इसने देखा है और तब तेरे को सिलेक्ट किया, ऐसे वैसे नहीं सिलेक्ट किया। ऐसा ऐसा था क्या? नहीं बट जेन्युइनली था, उठते उठते ना। नहीं बट जेन्युइनली मुझे अब तक कॉल आते हैं उस सॉन्ग के लिए, क्या अमेजिंग गाना है। एंड ऑल्सो जो हमने बता दी जरा का जो टीजर देखा है, इट वॉज वेरी अनप्लान थिंग, बट आदित्य भाई वॉज लाइक यार दिस इज कमिंग। आई थॉट के सॉ इतना खूबसूरत लगा, ऐसा लगा कि किसी फिल्म के गाने का कुछ एक आता है ना टीजर, तो आई वॉज लाइक कि चलो हमने भी ये बनाया है। एंड देन आई टोल्ड आदि भाई एंड मेरे सर यार इसको करते हैं यार, मतलब एक बार बड़ी स्क्रीन पर देखना है। और आई होप ये जल्दी गाना है और हम इसको भी इंजॉय करेंगे, तो प्लीज इसको भी थोड़ा अच्छा कवरेज मिले, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट प्यार चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, काम सब लोग करते हैं, बट विनय भाई मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली गाने आ रहे हैं, उनका फिक्स रहता है कि हाँ इस डेट को गाना आएगा, तो आता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी तक ऐसा, हाँ अभी तक ऐसा हो रहा है, होता रहे, टच वुड। सो बोलना चाहती हूँ कि आप लोग स्पेशली आए यहाँ पे हमारे लिए इस गाने को कवर करने के लिए, सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग आइए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, गाना जरूर देखना, जरूर बताना कि कैसा लगा, रिव्यूज अच्छे देना। थैंक यू। हमें शूट वाले दिन पता चला था कि हम दोनों साथ में हैं, एंड मेरे को इम्पोर्टेंट यही था कि कितना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हो पाता हूँ अपने को एक्ट्रेस के साथ में,
एंड देन मुझे काफ़ी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई स्टार्टिंग में, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे चल के पता कि शूट अच्छा जाने वाला है, जो आउट प्रोडक्ट है वो अच्छा आने वाला है। एंड हमने 22 घंटे से ज़्यादा मतलब शूट किया है पूरी टीम ने, बिना ब्रेक के और बिना थक के और ऐसे बोल के अरे नहीं अब नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चला कि 22 घंटे से ज़्यादा कब हो गए हमें नॉनस्टॉप काम करते करते। सो ये को एक्टर भी ऑफ कोर्स हमारा बहुत अमेजिंग है, और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ईच वन ऑफ देम हु इज़ यू नो इन्वॉल्व इन दिस, चाहे हमारे स्पॉट दादा हो, चाहे हमारी मेकअप टीम हो, चाहे एवरीवन, यू नो सबकी मेहनत है, सब ने नॉनस्टॉप काम किया, तो मुझे लगता है कि कॉफ़ी के बहाने इनकम्प्लीट है इन सब के बिना। बिल्कुल हो सकता है कि आप मुझे देखें, अभी चल रही है कुछ बातें, कुछ चीज़ें आनी हैं, जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है मेरी साइड से उनकी साइड से तब तक मैं कुछ ऐसा रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग विच इज़ कमिंग इन माई लाइफ एंड दिस सॉन्ग ऑल्सो एंड द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो द सेम चैनल इज कमिंग नेक्स्ट मंथ ओनली एंड वन मोर सॉन्ग इज कमिंग नेक्स्ट मंथ ओनली सेम चैनल सो दैट नो नो नॉट सेम चैनल दैट्स डिफरेंट चैनल अच्छा ओके सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ माइन सी आई वुड डेफिनेटली लव टू डू बिग बॉस, मतलब हर एक्टर चाहता है कि वो एक स्टेज पर आके बिग बॉस डेफिनेटली करे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या होता है बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है आपको, यू नो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको रियल ही रहना पड़ता है, और रियल नहीं रहोगे तो लोग आपको पकड़ ही लेंगे। तो मैंने अभी रिसेंटली शो किया था हनी टैप, जिसमें आकांक्षा पूरी गई थी OTT में, सो आकांक्षा ने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि बिग बॉस में इन एंड आउट क्या कैसे होता है। बिग बॉस में ना मुझे ना लड़ने में ना बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी आप डिबेट करवा लो किसी भी चीज़ पर, कितनी भी बात करवा लो, पूरी रात बात करवा लो, पूरी रात शूट करवा लो, मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, मुझे एक्साइट करती हैं चीज़ें, मुझे कैमरा एक्साइट करते हैं, तो बिग बॉस ऐसी चीज़ जहाँ पे हर जगह कैमरा ही कैमरा है, तो मैं तो ऐसा चाहूँगा कि अगर बिग बॉस मेरे लिए होता है तो बिग बॉस वालों को मज़ा आने वाला है मुझे तो जो आएगा वो अलग बात है, बट यार हम तो दिल्ली वाले हैं। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ एक बात, मैं बिग बॉस देख नहीं रहा था इस बार बिकॉज आई वॉज बिजी विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट एल्विस का मुझे इतना पता है कि वो ना दिल से साफ बंदा है, उसने ना आगे कुछ प्रिटेंड करना नहीं चाहा, जितने भी एपिसोड्स या कट्स मैंने देखे उसके, वो जो था ना उसने वो चीज़ बोली, उसने ये नहीं देखा कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए या मुझे प्रिटेंड करना है या मुझे ऐसा फेक करना है, तो वो बहुत रियल बंदा था एंड मुझे यही बात उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं भी रियल बंदा हूँ, मैं भी जो मेरा मन करता है जो मुझे लगता है मैं वही चीज़ बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए एल्विस को ही सपोर्ट कर रहा था एंड वही जीत गया एंड वाइल्ड कार्ड पहली बार जीता है, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे एल्विस की लगी वो लास्ट में आके उसने ट्रॉफी यू नो मनीषा रानी एंड फुकरा को दे दी, सो आई थिंक दैट्स अ मोस्ट हम्बल थिंग यू सी एज एन एक्टर एंड यू ऑब्जर्व एज एन एक्टर, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले ये गाना आप लोग बताइए पहले, हाँ स्टोरी लाइन का क्या है, मतलब जब ये गाना आया मेरे लिए तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये गाने को क्रिंजी नहीं रखना था, बहुत सिंपल रखना था और बहुत ही प्योर और ट्रू लव दिखाना था, तो उसी के हिसाब से जिस तरीके का इसका लिरिक्स था उसी को डिज़ाइन करके हमने इसको डिज़ाइन करा कि कॉफ़ी से रिलेटेड ही एक कैफेटेरिया से रिलेटेड ही कोई स्टोरी बनाए जहाँ पर लव बहुत अच्छा दिखे एक ही चीज़ के अंदर बस। कशिश और उमा तो लाइक दे आर ग्रेट एक्टर्स, मैंने उनके साथ बहुत एंजॉय किया काम करते हुए, क्योंकि उनको मतलब ये सीन समझाना मेरे लिए बहुत ही इजी था उनको, और उनको जिस तरीके से उन्होंने कैप्टर अपने कैरेक्टर को निभाया है वो बहुत अच्छा था इस गाने के लिए। अशर सर, अशर तो मेरा 10 साल पुराना दोस्त है, तो वो जब गाना स्क्रैच से बनना स्टार्ट होता है तब से ही हम प्लान करते हैं कि ही इज़ एयर अशर, तो गाना जब हमारा बनना स्टार्ट होता है स्क्रैच से ही हम प्लान करते हैं कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है, किस तरीके की वीडियो रहनी चाहिए, तो अशर के साथ एक अलग रिलेशन है, प्रोड्यूसर नहीं है ये, पहले दोस्त है हमारा। मैंने मुझे करनी तो थी एक्टिंग इस गाने में बट डायरेक्टर साहब इज वेरी कन्विक्टेड कि यार इतना ही चाहिए बट द गर्ल स्टैंडिंग हियर लाइक कि मेरे को तो चाहिए, ठीक है कहीं तो चांस ही तीन सेकंड का वॉक करा दिया मेरा, चलो 3 सेकंड का वॉक करा दिया, बट
इट्स ग्रेट. आई मीन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी फीचर इन दिस सॉन्ग. बट है तो अपना ही, बट वो स्क्रीन पे भी मेरे को थोड़ा लालच था देखने का. बट यू नो यू कांट इंटरफेयर कि ये क्या कर रहा है. मैंने हर हर इंटरव्यू में इसकी इतनी तारीफ कर दी है दीपांशु भाई की कि अभी मैं अभी कुछ बोलने को नहीं है दूसरे के लिए. अभी बड़े पर्दे की आदत तक की इंशाल्लाह ये आदत लगी रहे तो मजा है. बिल्कुल. तो गाना आप लोगों को डांस कैसे लगा वैसे? नहीं जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगा. अच्छा लगा. ओके ओके. सो द गुड पॉइंट ऑफ द सॉन्ग इज कि जब हम दीपांशु से मिले द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर तो हम लोग काफ़ी सिमिलर पेज पे थे फ्रॉम द डे वन. एंड या इससे इट रियली हेल्प्ड अस वर्क आउट वेरी स्मूथली. एंड रुमा कशिश दे वर एक्सीलेंट. दो तीन ऑप्शंस हमने कोरियोग्राफी के बनाए बट दीपांशु वाज लाइक यू नो बहुत इजी ट्रेंडी कैची चाहिए. सो या वी क्रैक दिस. एंड आई थिंक एंड आई होप ये सॉन्ग इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड करने वाला है. एंड इनफैक्ट हमारे हुक स्टेप्स जो हमने इस सॉन्ग में रखे हैं तो हम बहुत जल्द ये रील्स पे इंस्टाग्राम पे देखने वाले हैं और सबको इस स्टेप पे नचवाने वाले. वी होप द बेस्ट. रील बनवाने वाले हैं. यस आवर मॉडल साइफा शेख. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. वेल सॉन्ग बहुत ही ज्यादा मजेदार था. एंड वी मेड दिस सॉन्ग आई थिंक एक साल पहले हमने बनाया था. एंड जो उस टाइम से वी हैव वर्कड ऑन इट वेरी रिलेटिवली एंड वी एंजॉयड एंड वी लव्ड वर्किंग बेनी जी के साथ में एंड विद अशर. What else? बहुत शुक्रगुजार हैं हम तहे दिल से for having us. Yeah, it was a great song. So hope you guys enjoy it. Song. Coffee के बहाने. I'm sorry. क्या? हाँ जी. काफी बेनी दया के साथ गाना. I think हमारा पहली बार ऐसा गाना आ रहा है and बहुत ही we are blessed. Truly we are feeling blessed. आई थिंक बचपन से जब हमने गाना शुरू भी किया था तब से इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू यू नो सिंग अलॉन्ग साइड सच अमेजिंग सिंगर्स और टू हैव अ सॉन्ग टुडे इन फ्रंट विथ बेनी सर विथ आशर विद एंटायर टीम. इट्स ह्यूज. थैंक यू. इट वॉज वंडरफुल टू बी हियर. क्या बोल रहे हो? मेन इंसान ये भाई हम लोग का. एंड द कॉम्पोजिशन दैट हैज़ बीन डन ऑन कॉफी के बहाने अमेजिंग जॉब सुपर्ब जॉब एंड वी आर सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू वर्क विद हिम आफ्टर सो लॉन्ग. हमने इसका सफर देखा एक साल में. एक साल में तो छोटा सफर देखा, उसके पहले बहुत साल का भी सफर था. सो या वी जस्ट बड़े हो गए. कम ऑन. ओके. कॉफी के बहाने दिन है कई गुजारे बस ठहर जा. कॉफी के बहाने दिन है कई गुजारे बस ठहर जा. तो काव्या कृति या लाइक अमेजिंग दोनों सगी बहन है, कमाल की बहन है और माँ बहन करते हैं हम लोग सब मार्केट में जाके. बहुत कमाल के कंपोजर्स हैं. ब्यूटीफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं. और नेचर जब इंसान का अच्छा होता है ना तो म्यूज़िक में वो सादगी वो ब्यूटीफुलनेस दिखती है. तो आई थिंक बहुत सारा स्टूडियो में माल भरा. अगर आप लोग को चाहिए गाने वाने तो बताओ, बजट पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे फटाफट.